इनार, और इनार बहुत गहरा है यार, बहुत पतला होता है यार। यहाँ से देखो यार, इनार दिखाता हूँ आपको। और इस रस्सी से पानी निकाला जाता है अंदर से। बस बस निखिल भाई रहन दे। सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और जस्ट मैं अभी यार रात को तो एडिट किया नहीं था मैंने, अभी करना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई रात को बहुत तेज़ नींद आ रही थी। और रात को 1:30 बजे सोया हूँ मैं, और बड़ी तेज़ नींद आ रही थी तो मैं सो गया था, वरना 10:30 बजे तक सो जाता था मैं। तो करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट, और रात चलेंगे कहीं पे घूमने। और सारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका, और ये भी खोलने वाले, सारा साफ़ सफाई किया था सुबह उठते ही, और सारा साफ़ सफाई हो चुका है, और अभी थोड़े बहुत वेयर कर रहे हैं, और बाकी तो हो ही चुका है सारा। और बस आएंगे और टेंट वेंट खोल के ले जाएंगे। तो करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट, और रात चलने हैं कहीं घूमने। तो चलो मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ, और एडिट के बाद मिलता हूँ, क्योंकि भाई थोड़ा सा आधा एडिट बाकी है अभी। तो चलो चलते हैं एडिट करने। और यहाँ पे देखो भाई, इनार दिखाता हूँ आपको, एक छोटा सा है, बहुत गहरा है। देखो भाई ये रहा इनार। भाई फ़ोन उन गिर जाएगा यार, इसलिए ये देखो, एंड दूर से दिखा रहे हैं इसलिए। निखिल भाई कुछ बोलना चाहते हो यार? चप्पल निकल, चप्पल पहनना भी नहीं होता, कल कट गए पूरा पैर है, अभी दवाई तय मत कराऊंगा। उपले का डिजाइन देखो यार एक बार यहाँ का। और इसमें यार ये देखो यार, पुआर उवार ले जाते हैं, इसको ढोते हैं, और आगे भैंस को बांध देते हैं। ये है अपनी सरकारी लेटरिंग, यहाँ पे गेट बहुत मतलब सेकड़े उकड़े से लगा रखा है, और यहाँ पे बहुत सारा खाद रखा हुआ है, और आगे थोड़ा जंगल टाइप का है, गहरा बेकार। सरकारी हेडपम्प है, एंड यहाँ पे एक मंदिर है जिसमें कल पूजा करके गए थे हम, और अपना झंडा यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखो यार, ये अपना ग्रीन वाला बांस है बम्बू, ये इसके अंदर लगा रखा अपने झंडा। और ये हाँ इनार, और इनार बहुत गहरा है यार, बहुत पतला होता है यार। यहाँ से देखो यार, इनार दिखाता हूँ आपको। दिस इज इनार भाई। और इस रस्सी से पानी निकाला जाता है अंदर से। बस बस निखिल भाई रहन दे। भाई निखिल रस्सी पूरे डाल देगा क्या? सो फाइनली गाइस नहाड़ पे आ चुके हैं, और बादल तो हो ही रहे थोड़े बहुत, इसलिए भाई थोड़ा बहुत मौसम बढ़िया है तो आ गए हम। बाकी धूप तो बहुत हो रही थी इससे पहले, और हम आए साइकिल से वीडियो अपलोड करने। तो सॉरी गाइस, सुबह टाइम नहीं मिला था, अपलोड कर रहा था मतलब वीडियो अपलोड एडिटिंग कर रहा था मैं। तो फाइनली गाइस अभी आ चुके हैं हम नहाड़ पे वीडियो अपलोड करने, और भाई सुबह में भाई बहुत एडिटिंग कर रहा था यार मैं, तो 1 से 1.5 घंटा मेरे को एडिटिंग में लग गया था, और बाकी थंबनेल का चक्कर था ना, थोड़ा बहुत बना दिया उसको। तो भाई वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख रहे हैं ना। और अभी हम आए हैं साइकिल से, और बहुत थोड़ा बहुत धूप, बाकी बादल छाए रखे हैं। और कल आज सुबह रे जस्ट बारिश हुई थी बड़ी तेज़, भाई 4 बजे के करीब बारिश हुई थी, तो मैं उठा हुआ था। तो चलो भाई चलते हैं। और भाई 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 भाई, 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 भाई यार ये पता है कभी कहीं भी सो जाता है भाई। साइकिल लेके आए नहाड़ के बीच में एकदम। तो फाइनली गाइस अभी बैठे हुए हम पेड़ के नीचे, और मस्त हवा आ रही है एकदम, बहुत मस्त आ रही है गाइस, बहुत मस्त। मैं अंदर सो जाऊं, नींद आ रही है गाइस। सो जाओगे गाइस कमेंट करके बताना। तो चलो भाई, बहुत मस्त हवा भी आ रही है, और इधर बगल में बांस का पेड़ है। अरे भाई सब्सक्राइबर दिखा दो। बगल में साइकिल खड़ी है, हम साइकिल से आए हैं, और हमारे सब्सक्राइबर बैठे हैं यार। हेलो भाई, हेलो। और बहुत मस्त यार, रोज वीडियो देखते हैं हमारे, तो गाइस आप भी देखा करो यार। और मस्त हवा चल रही है यार यहाँ पे एकदम, दूर दूर तक दिखाता हूँ आपको। आपके लिए बहुत मेहनत करते, तो लाइक सब्सक्राइब। यहाँ पे ना बहुत एक बड़ा इनार है, और बहुत साल हो गए इस इनार को, और अभी भी देखो आपको पता नहीं चल रहा होगा यहाँ पे इनार है, पर दिखाता हूँ आपको। 15 साल हो चुके हैं यार बंद होते हुए, और यहाँ पे बहुत बढ़िया मतलब बहुत गंदे गंदे यहाँ पे इनार दिखाता हूँ गाइज आपको, बहुत बेकार गाइज ये। भाई मेरे को खुद डर लग रहा है जाने में, ये देखो ये जा रहे हैं। और अंदर दिखाता हूँ भाई, मैं भी नहीं देखा भाई क्या है अंदर। भाई देखो गाइज दिखाता हूँ आपको यार, कैसा व्यू है ये देखो भाई,
है कुछ नहीं, बट भाई इसमें माला वाला फेंक रखा है भाई, कितना गहरा भाई, ये खतरनाक है भाई अपनी कसम। और माला वाला भी फेंक रखा है, जो टोट जो भी कुछ हो भाई, पीपल के पेड़ के नीचे भाई, यहाँ पे भाई दूर भागो 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 भाग। निखिल भाई क्या है आगे? कहते हैं आप पवित्र शक्ति है वहाँ पे गांव में यार, यही सब ज्यादा सीन होता है। साला पागल दिमाग खराब, डरा रहा है सबको, डर भी रहे यार हम। दिखाते गाइस, दिखाते भूख आती चलेगा, आज वहाँ का व्यू चलेंगे। देखो गाइस, एक बार एक्टिविटी होती है और वो वाला भी घर देख लो गाइस, ये ब्लैक वाला जो है सामने बीच में एकदम सेंटर में, सबसे अलग है भाई वो सबसे अलग है, उसमें कोई नहीं रहता, चुड़ैलों का निवास है वहाँ में। सो फाइनली गाइस, अभी किसी के पास भी काम नहीं है, इसलिए भाई यहाँ पे आके बैठे हुए हैं सब। और बहुत मतलब बहुत दो तीन दिन से भाई निखिल बिजी था, सभी बिजी थे यार। सो गाइस, धूप भी उग रही है यार, बहुत तेज धूप हो रही है अब धीरे धीरे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हवा चल रहा है, तो चलते हैं भाई यहाँ से थोड़ा बहुत बैठते हैं और थोड़ा बहुत मजे लेते हैं। और ये रहा पौधा। सो गाइस, अभी हम वहाँ से ना एक पौधा निकाल के लेके आए हैं, और ये देखो निखिल भाई अपने घर के सामने लगा रहे हैं, और निखिल भाई ने दो पौधा लगाएंगे और अभी लगा रहे हैं। ये अमरूद का पौधा है और आज 4 मई 2023 है, और इसको फाइनली देखेंगे 2 साल बाद, तो देखेंगे कितना बड़ा हो गया है। और यहाँ पे देखो ये जामुन का पौधा है, यह वाला तोड़ के लेके आए हैं, और एक लगा दिया और एक और लगाएगा उसी में, तो देखते हैं कितना बड़ा होता है। जल्दी से भाई वीडियो करते हैं कंटिन्यू, खाना पीना हो चुका है हमारा। सो फाइनली गाइस यार, मैं सो गया था अभी और जस्ट अभी उठा हूँ यार, तो क्या बताएं अभी टाइम हो गया है 4:30 और अभी निकलने वाले हैं यार, थोड़ा बहुत टहलने बाहर को और व्यू दिखाने वाले हैं बाहर का, देखते हैं कैसा है, तो चलते हैं भाई। धूप थोड़ा सा निकला हुआ है और सूरज ढलने वाला है अभी, और बाकी अभी मैं हूँ यहीं, तो चलते हैं भाई बाहर चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। सो भाई, पहली बात तो आपको पता है कि भाई शादी में यार बहुत सारा खाना बच गया था, तो भाई सुबह फेंकना पड़ा, और निकली भाई अभी डोलची देने जा रही है। एक बार व्यू देखो, हम जा रहे हैं भाई डोलची देने, एंड यहाँ पे देखो भाई नलका यहाँ पे है, और बाकी झोपड़ पट्टी है, गांव का व्यू यही है, और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं एंड भैंस भी है। सो गाइस, हम खुद चुके हैं यार खेत में, और आ चुके हैं हम एक भूतिया घर के पास, जो कि बहुत डरावना घर है ये, तो चलते हैं भाई दिखाते हैं ये घर। पता नहीं यार निखिल मजाक कर रहा है कि ऐसी मजे, नहीं सही सी बात है यार, दिखा दो। यहाँ पे गाइस एक जिस चीज नोटिस किया है भाई, जो भी ये खेत होते हैं ना, वो एकदम बराबर होते हैं, एकदम बराबर। और ये नहर के बगल में भाई बहुत उपजाऊ मिलता है यहाँ पे। भाई रात होने वाली है, देखो चांद अभी से उग चुका है एंड सूरज तो ढल चुका है यार। सो गाइस, अभी हम आए हैं समोसे लेने, पर समोसे की दुकान बंद है क्योंकि भाई इलेक्शन चल रहे हैं यहाँ पे, और अब हम चला रहे हैं बाइक, तो देखना भाई कैसे चलाता हूँ बाइक, तो बताना अभी कमेंट में। चलो चलते हैं बाइक, ये रे भाई बाइक को दिखा भाई, बाइक को देखो, बाइक तो अपनी वासी है। चलो चलते हैं। देखो इस वाले दुकान पे हम आए हैं समोसे खाने, और वहाँ पे समोसा नहीं है इसलिए हम वही खाते हैं, पर यहाँ पे लेना पड़ रहा है, पता नहीं कैसा है समोसा, स्वाद बता। अरे बढ़िया है यार समोसा तो, बढ़िया है टेस्ट, यहाँ पे बढ़िया है टेस्ट, बढ़िया है। ये चौराहा है, यहाँ पे लाइट लग रखी है, और मानधाता नाम है इधर जगह का, और बाइक वो हमारी ऑलरेडी स्प्लेंडर बाइक, तो चलो पहले समोसा खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। स्वाद बताओ यार कैसा है इसका भाई, निखिल बता यार। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया स्वाद है, बताया ना है। यहाँ पे चले समोसे पार्टी, और एक एक ही खा रहे हैं, पर अभी पैक करवाएंगे और घर पे भी खाएंगे भाई। चलते हैं भाई, समोसा खा लिया और थोड़ा देर के बाद और थोड़ा भाई घुमाते हैं ना। तो फाइनली गए, अभी आ चुके हैं भाई, चला के बहुत तेज चलाता हूँ, और बहुत जगह घूमने गए थे हम, तो बाइक वाइक चला के अभी आया घर पे, और घर पे खाते हैं खाना, और खाना खाने के बाद मिलते हैं, और खाने में बताएंगे भाई क्या बना है, एंड चलते वीडियो को करते कंटिन्यू। तो फाइनली गाइस, अभी खाना खाने बैठे हुए हम, और सचिन भी बैठे भाई एंड निकले हैं,
खाना खाने पर खाने में दाल चावल रोटी आलू की सब्जी और सलाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है खाना भी। तो खाते हैं फिर, करते हैं ब्लॉग को एंड खाना खाने के बाद। और टाइम हो चुका है अभी 9:30 और पहले फर्स्ट टाइम इतना टाइम में खाना खा रहे हैं और बाकी पूरे गांव सो चुके हैं, तो चलते हैं खाते हैं। सो फाइनली गाइस खाना खा चुके हैं, अब जा रहे हैं भाई सोने। तो क्या क्या बेड सब लगा दिए, मतलब बेड ने मतलब खटिया है ना दो को ज्वाइन कर दिया, तो बेड बन गया हमारा। तो चलते हैं सोने, हम तीन सोएंगे निखिल और मैं, तो सोते हैं और मिलते हैं, करते हैं ब्लॉग को यही एंड यार। तो ब्लॉग बता देना कैसा लगा, आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन और पे सेट कर देना। मिलते हैं जल्दी ये नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।